ये वॉशिंग मशीन है हमारी सेमी ऑटोमेटिक 1 फुट 7.5 kg। इसके अंदर हमने स्पिन की मोटर चेंज करनी है, इसकी मोटर ख़राब हो चुकी है। मोटर चेंज करने के लिए पहले हमें ये ऊपर का जो कवर है इसको भी अलग करना पड़ेगा, क्योंकि तो इसकी हम सील भी रिप्लेस करेंगे। तो सील रिप्लेस करने के लिए पहले हमें यहाँ पे ये दो पेच हैं इसके अंदर, ये खोलने पड़ेंगे। प्लस में ये एक पेच यहाँ है, प्लस में कुछ पेच, एक दो दो पेच यहाँ पे हैं। दो पेच ये भी खुलेंगे। सो इसके लिए पहले हम पेचकस से कोशिश करेंगे, अगर पेचकस से नहीं ओपन हुए ये पेच वगैरह, इसका हेड ख़राब है इसकी यहाँ पे हैं, तो इसके लिए हम लोग उनको हीट करके निकालेंगे। सो पहले मैं जितने खुलते हैं उनको पेचकस से खोल लेता हूँ, बाकी फिर मैं बताऊँगा कि हीट करके कैसे निकालते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ का एक पेच खुल गया और इसके दो पेच ओपन हो चुके हैं, बट बाकी के जो पेच हैं इनमें रस्ट लगा हुआ है, ये ओपन नहीं हुआ है। सो अब इसको हम हीट करके निकालेंगे। हीट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आयरन। आयरन को हम प्रॉपर हीट करेंगे, हीट करके फिर के टिप पे लगा देंगे यहाँ पे हेड पे, इससे पेच गर्म हो जाएगा और पेच इजीली निकल जाएगा। सो अभी मैं पहले इसको गर्म कर लेता हूँ आयरन को, देन आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए अभी आप देख सकते हैं कि अपना ये जो आयरन है वो प्रॉपर हीट हो गया है। सो अभी हम इसको जो आयरन को है वो इसके जो स्क्रू है उसके ऊपर जस्ट ऐसे ही टेस्ट करके रखेंगे। एक पॉइंट के बाद ये पेच इतना स्क्रू इतना हीट हो जाएगा ये इजीली मूव होने लगेगा, तो हम इसको प्लास से खींची से खींच के बाहर निकाल लेंगे। सो मैं पहले इसको हीट कर लेता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये हीट करने की वजह से लूज़ हो गया। सो अभी हम लोग इसको प्लास्क में से इसके बाद निकाल देंगे। ये अभी आप देख सकते हैं पेच सारे के सारे खोल दिए हैं, ये रहे इसके पुराने पेच। पेच खोल दिया है, वे अलग हो गया पूरा सेपरेट, ठीक है। यहाँ से भी ये खुल गया है, तो हम इसको आगे पीछे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे, देन उसके बाद हम लोग नीचे से ड्रम के जो पेच है वो ओपन करके ड्रम को बाहर निकालेंगे। तो पहले मैं इसको साइड कर देता हूँ, देन उसके बाद ओपन करता हूँ। अभी हम ये पहले इसकी बेल्ट को रिमूव कर देंगे। बेल्ट को रिमूव करने के लिए इसको यहाँ से पुल करके इसको ऐसे करके निकाल देंगे, और यहाँ पे पेच होगा ऊपर वाला उसको रिमूव करूँगा। अभी निकाल दूँ, देख पा रहे होंगे अंदर जो ऊपर वाला नट है, जो ऊपर वाला नट है इसको हम लोग रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं कि नट जो है वो रिमूव कर दिया गया है यहाँ से, तो हम उसको पकड़ के ड्रम को बाहर खींच लेंगे। ड्रम एक बार पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इसका ड्रम रिमूव कर लिया गया है। ड्रम लगाने से पहले हम ये ड्रम के ऊपर ये जो शाफ्ट के ऊपर ये जो गंदगी है इसको भी साफ़ करेंगे, और इसकी सील भी रिप्लेस करेंगे। सील रिप्लेस करने के लिए लास्ट से पकड़ के सील को बाहर खींच लेंगे। इसके पंजे को थोड़ा सा बाद थोड़ा सा जोर लगेगा, उसको बाद में निकालता हूँ, पहले मोटर निकाल लेते हैं। मोटर को रिमूव करने के लिए इसके अंदर ये तीन पेच होते हैं, एक ही है, एक इधर की साइड होगा, इधर की साइड और एक इसकी बैक साइड पर। सो पहले ये तीन पेच खुलेंगे, ये दो पेच लूज़ होंगे और ये एक पेच पूरा ओपन होगा। सो पहले मैं ये पेच को लूज़ करके इसको बाहर निकाल लेता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मोटर को रिमूव कर दिया गया है। इसके अंदर हम लोग ये पुल्ली को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और उसके ब्रेक प्लेट है ये वापसी इसके अंदर फिट करी जाएगी दूसरी मोटर में। मैं दूसरी मोटर निकाल लेता हूँ पहले, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
नई मोटर है जो हम इसकी जगह पे फिट करेंगे। फिट करने से पहले हम इसके अंदर एक कवर जरूर लगाएंगे ताकि पानी वगैरह ना जाए और मोटर लॉन्ग लाइफ करे। चलिए मैं पहले इसके अंदर से एक्सेसरी को रिमूव कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये नई मोटर के अंदर हमने पूरी एक्सेसरी को फिट कर दिया। अब इसको इसी मशीन में फिट करेंगे। सो पहले मैं इसको उसके अंदर फिट कर देता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अभी आप देख सकते हैं कि इस पर मोटर हमने सेट कर दिया। अभी मोटर की हम लोग कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने करके फिर इसको ऊपर हम लोग बेलो लगा के देन ड्रम की फिटिंग करके चला के इसको चेक करेंगे। सो पहले मैं एक बार कनेक्शन कर लेता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये अभी आप देख सकते हैं कि इसकी बेलो हमने निकाल दी है, इसका लॉक भी निकाल दिया। अब ये रही न्यू बेलो। अब इसके अंदर हम लोग साइडों में बोन भर देंगे ताकि ये प्रॉपर फिक्स हो जाए। सो मैं एक बार इसको पहले फिक्स कर लेता हूँ बोन भर के, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए अभी आप देख सकते हैं कि इस पर सील सेट हो चुकी है और ये भी तो इसकी शाफ्ट है। ये जो शाफ्ट है ड्रम की, इसको क्लीन कर दिया गया है, इसको इसमें फिट किया जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये मोटर इसकी चेंज कर दी है। इसके अंदर अभी वॉश भी परफेक्ट वर्क कर रहा है और स्पिन भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलिए ये थी हमारी वीडियो आज सेमी ऑटोमेटिक वर्लपूल 7.5 केजी के लिए। इसके अंदर अपने इसके अंदर हमने स्पिन मोटर और स्पिन बेलो चेंज करी है। वीडियो को अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।